नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। बाघ को आज के दिन चुना गया था राष्ट्रीय पशु। बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को देश का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। यह भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका सहित भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। देश में यह पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा के जंगलों में पाए जाते हैं। जयसिंह द्वितीय ने आज के दिन की थी जयपुर शहर की स्थापना। आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना की थी। इस शहर के वास्तुकार बंगाल के विद्याधर चक्रवर्ती थे। जयपुर शहर तीन ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। वर्ष 1876 में तत्कालीन महाराजा सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजाया था और तभी से शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ गया। यूनेस्को ने जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया है। क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का आज के दिन हुआ था जन्म। स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को हुआ था। वह भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए थे। इस मामले में सजा के बाद उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इस दौरान सेलुलर जेल में उन्होंने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी। बटुकेश्वर दत्त को 1938 में रिहा किया गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया और 1945 में रिहा किया गया था। मानुषी छिल्लर आज के दिन बनी थी मिस वर्ल्ड। चीन के साइना सिटी एरेना में आयोजित प्रतियोगिता में 18 नवंबर 2017 को मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। मानुषी को मिस वर्ल्ड 2017 का ताज प्यूरिटो रिको की पूर्व विश्व सुंदरी स्टेफनी डेल ने पहनाया था। मानुषी ये ताज पहनने वाली छठी भारतीय महिला हैं। इससे पहले मानुषी को फेमिना मिस इंडिया सम्मान से नवाजा गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इतिहास में दर्ज कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।